नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। हरियाणा चुनाव के रुझान आने शुरू हो चुके हैं और देखिए रुझान में तो यही दिख रहा है कि कांटे की टक्कर जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर वोट परसेंट की बात करें तो 2% वोट से कांग्रेस आगे है और 2% वोट से जो है बीजेपी पीछे है। यानी मान के चलिए अगर बीजेपी के पास 70 है तो कांग्रेस के पास 90% है। अब इसी बीच कई कयास भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि देखिए एक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से कई चीजें इफेक्ट भी होती है और कई कयास भी लगते हैं। बात अगर बीजेपी की करें तो एक रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि हरियाणा में अगर बीजेपी या मोदी की हार होती है तो मोदी के हाथ से पावर तो जाएगी ही, इसके साथ ही संघ मोदी से सत्ता भी छीन लेगा। अब इतनी बड़ी बात, इतनी चौंकाने वाली बात क्यों चल रही है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे, ये दोनों रिजल्ट ही कहीं ना कहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड के विधानसभा चुनाव को इफेक्ट करेंगे। जिसकी भी जीत होती है, जिसकी भी हार होती है, ये सारी चीजें जो है वो महाराष्ट्र और झारखंड को इफेक्ट करेगी। अगर बीजेपी हरियाणा में हार जाती है तो इसका इफेक्ट महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा, झारखंड पर भी पड़ेगा। और अगर बीजेपी को वहां भी कुछ नहीं मिलता है, वहां भी बीजेपी डाउन हो जाती है, तो सारी पावर जो है वो चली जाएगी संघ के हाथ में। अब आपको विस्तार से ये चीज समझाते हैं। सबसे पहले कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने, बीजेपी ने माना कि भैया हम ही हैं जो सब कुछ है। कहा अंदर की बात ये थी, राजनीतिक जो सियासी सयाने हैं उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी यही मान के चल रहे थे कि जो है हम ही हैं, आरएसएस कुछ नहीं है, सारी पावर हमारी है, मोदी के फेस पर जो है वो वोट मिल रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसमें साफ दिखा कि बीजेपी कैसे बैसाखी पर आ गई। मोदी सत्ता पर तो बैठ गए लेकिन बैसाखी के सहारे बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाई, जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी हार थी और विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के लिए जीत थी। ये कहा गया, कांग्रेस जश्न मनाती भी खूब नजर आई थी, उसके बाद से बीजेपी डाउन होती नजर आई और आरएसएस का जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ता चला गया बीजेपी में, जो हमेशा से था। क्योंकि बीजेपी डाउन होती गई, हारती गई, तो ऐसे में आरएसएस का इंटरफेरेंस बढ़ा और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फिलहाल बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का। इसको लेकर आरएसएस यानी संघ और मोदी के बीच लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है। अब आरएसएस चाहता है कि वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए लेकिन मोदी ऐसा नहीं चाहते हैं। खैर ये तो अलग बात हो गई, लेकिन फिलहाल बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे जैसे मोदी को हार मिल रही है वैसे वैसे संघ का इंटरफेरेंस, दखलअंदाजी बीजेपी के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। और अगर हरियाणा में भी बीजेपी हारती है, मोदी को एक और हार मिलती है, तो सारी पावर जो है कहा जा रहा है वो आरएसएस के हाथ में चला जाएगा। यानी दखलअंदाजी आरएसएस की संघ की और ज्यादा बीजेपी में बढ़ जाएगी और मोदी के हाथ से सारा पावर हरियाणा के चुनाव के बाद जो है वो आरएसएस के पास चला जाएगा। और ऐसे में वो दिन भी दूर नहीं होगा जब मोदी के हाथ से आरएसएस सत्ता छीन ले। क्योंकि देखिए रूल तो बीजेपी में यही चलता आया है कि 75 साल के बाद राजनीति में कोई भी सक्रिय नहीं रहेगा, कोई भी नेता, दिग्गज नेता। और मोदी की भी उम्र होने ही वाली है 75 साल, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि मोदी के हाथ से सत्ता जा सकती है। अरविंद केजरीवाल का बयान भी आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि 1 साल के बाद मोदी जी सत्ता से हट जाएंगे। अब राहुल का नाम क्यों आ रहा है ये भी समझिए। राहुल का नाम इसीलिए आ रहा है क्योंकि हरियाणा में फिलहाल राहुल का जादू खूब चला है, चाहे वो जलेबी वाली बात हो या संविधान की बात हो। संविधान का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था जो राहुल गांधी ने उठाया था हरियाणा में, जिसका इफेक्ट देखने के लिए मिला था। सिर्फ हरियाणा ही नहीं और भी कई जगहों पर राहुल गांधी ने खूब धाकड़ धाकड़ बयान दिए और देखिए उनको ट्रोल करने की कोशिश तो बहुत की गई लेकिन जनता ने सुनी सिर्फ राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने जो भी बयान दिए जनता पर उसका इफेक्ट पड़ा, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का इफेक्ट पड़ा। और अगर हरियाणा में मोदी की हार होती है तो राहुल की वजह से ही होगी क्योंकि राहुल का जादू चलता दिख रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि राहुल की वजह से मोदी से संघ जो है सत्ता छीन लेगा। ये थ्योरी है जो इस वक्त सामने आ रही है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है लेकिन थ्योरी यही सामने आ रही है। अंदर की बात सियासी सयाने यही कह रहे हैं कि अगर मोदी हरियाणा में हारते हैं तो संघ के हाथ में सारी पावर चली जाएगी और ऐसा राहुल गांधी की वजह से ही होगा। फिलहाल अभी हरियाणा चुनाव के रुझानों का बात करें तो पल पल जो है वो चीजें बदल रही है, जैसे जैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं चीजें बदलती जा रही है। कभी बीजेपी कभी कांग्रेस आगे जाती जा रही है, लेकिन हालांकि अगर आपको बताएं कांग्रेस पहले से जश्न मना रही है, कांग्रेस पहले से कह रही है कि जीत
उनकी ही होगी, लेकिन ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल जिस तरह से ये थ्योरी सामने आ रही है कि अगर मोदी हरियाणा हारते हैं तो उसका असर महाराष्ट्र झारखंड सब पे पड़ेगा और उसके बाद उनके हाथ से पावर चली जाएगी, सत्ता भी जा सकती है, ये कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।